पार्ट वन आउ पार्ट टू वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक रही जो माने पार्ट वन आउ पार्ट टू देखी ना से माने डिस्क्रिप्शन को जाइकी लिंक ऊपर क्लिक करके वीडियो दुटा देखी नहीं पारे। आज आम व्यावसायिक गणित अनुशीलन 8A रो केते नंबर पाखरु आरंभ करिवा 13 नंबर पाखरु आरंभ करिवा। तो 13 नंबर प्रश्न अछि हम पाखरे। 13 नंबर प्रश्न कहूँ समान मूल्य दुईटी लुगा रे दुई जन दोकानी यथाक्रमे 20% और 10% एवं 15% और 15% रिहाती दिखती क्यों क्षेत्र में लुगा क्रय करने लाभजनक हम। बहुत सुंदर प्रश्न आसी आओ ये कह दी जन दोकानी अच्छा समान मूल्य जिनस बिक्री कर माने धरा जाऊ ये हूँ प्रथम दोकानी ये हूँ द्वितीय दोकानी से जो जिनस बिक्री कर तार मूल्य सामान मान से क्रय मूल्य सामान से एक मूल्य जिनस किणिक आनी तो प्रथम दोकानी ये अच्छी मन कर जिनसटी जो क्रय मूल्य रोच क्रय मूल्य रोच मात्र 100 टाँचा ये भी सही मूल्य किणी तेल यार भी क्रय मूल्य के द्वितीय दोकानी से 100 टाँचा र ये प्रथम दोकानी कौन करुच्छे ना रिहाती केमी दौ देखो रिहाती दौर प्रथम 20% तापर पुणी 10% दौर ये जो द्वितीय दोकानी अच्छी ये केमती रिहाती दौर ना प्रथम दौर 15% तापर आउ थे 15% दौर है। तो आमको प्रश्न पचार दुकान रू जिन किणवा जहाँ फल कि आम लाभ रहा तो कौन कह प्रथम दौर 20% 100 टंका रो 20% रिहाती बाहर करिवा 100 टंका रो 20% रिहाती केते टंका हबो ना 100 गुणन 20 बाय 100 हे जीवो 100 100 मरिगले आउ रहला 20 टंका 20 टंका रिहाती रहले 100 टंका रो 20 टंका माइनस कर दियो आउ रहइबो 80 टंका 80 टंका डा रहउजी तार बिक्री मूल्य किंतु सेतिक रिहाती दे दे कि से रहि जाउनी आहुरी भी रिहाती दउजी केते 10% आहुरी रिहाती दउची तने 80 टंका रो 10% रिहाती दउची से 80 टंका रो 10% रिहाती देले 80 गुणन 10 बाय 100 तले 0000 कटिगला 8 टंका रिहाती देला आउ कोन एबे मोट जो बिक्री मूल्य रहिबो यार टोटल रिहाती मिहाती सब काटी सल्ला परे बिक्री मूल्य टे रहुची यार 80 टंका रु आहुरी 8 टंका कटि जीव आउ केत टा रोजी 80 रु 8 गने 72 टंका रे ये बिक्री करिवो जिनसटा को देखिया द्वितीय दुकानी केते टंका रे बिक्री करूची से जिनसटा को तो ये प्रथमे 15% तापर गुण 15% दउची 100 टंका रो 15% रिहाती तने केते नबो हा 100 गुणन 15 बाय 100 कर दबा 15 टंका रिहाती दउची 15 टंका रिहाती दउची एबे बिक्री मूल्य तार केते हबो बिक्री मूल्य हे जीव 100 रु वियोग कर 15 टंका रिहाती काटे देला एति आउ रहइब 85 टंका तो 85 टंका रे से बिक्री करिवो किंतु पुणी आउ थरे 15% रिहाती दउची तने 85 टंका रो 15% रिहाती पुणी मागिबा तले 85 गुणन 15 बाय 100 हे जीव 85 गुणन 15 केते 1275 डिवाइडेड बाय 100 ताहले 12 टंका 75 पैसा एतिक टंका रिहाती देला तो रिहाती दे सरला परे 85 टंका रे बिक्री करथांदा आहुरी कटि गला केते 12 टंका 75 पैसा तने एठी यार जो मोट बिक्री मूल्य रहूची से रहइबो 85 टंका वियोग 12 टंका 75 पैसा 85 रु 12 गले 73 रु आ 75 पैसा वियोग कर दियो 73 टंका रु 75 पैसा वियोग करले 72 टंका 25 पैसा तले 72 टंका 25 पैसा ये कत बिक्री करथला ये खाली 72 टंका रे बिक्री करूची 72 टंका 25 पैसा रे बिक्री करूची तो के दुकान नु किनिले बेसी लाभ हो कहले देखिबा प्रथम दुकान नु काहे नै 72 टंका रे बिक्री करूची आ 25 पैसा बंचेने तुम चॉकलेट भी खाई परिवो बुझि पाले कि नै त ये दुकान नु जीवन नै तुम प्रथम दुकान पाखरु नै आसीबो जो 25 पैसा टे बोलूची तमरो ताकु मते दे दबो
बुझिपार आमको कौन पचार चौदह नंबर प्रश्न अच्छी जे जड़े व्यवसायी एक घंटार लिखित मूल्य उपरे गोटे घंटार लिखित मूल्य उपरे शतकड़ा 10% रिहाती दिखती घंटाटी क्रय मूल्य 300 टंका हेले 20% लाभ पाइबा लिखित मूल्य के रहा दरकार बढ़िया प्रश्न पचार देख तुम्हें जे दुकान रु सब किणुच ना घंटा बा लुगा जहाँ भी किणुच सी देख तुमको रिहाती दिए धर जो 500 टंका लिखी थी तुमको दब से 420 टंका तुम्हें भाव कि दुकान क्षति हो क्षति हो सी लाभ रखिक तुमको बिक्री करुच्ची खाली से लिखित मूल्य टी बे कर फर एक्जाम्पल ये पेन टा को मु दुकान रु 10 टंका किनी मार्कर मार्कर मु दुकान रु 10 टंका किनी या उपर मु लिखिदेमि 20 टंका देखिए तुमको 15 टंका बिक्री करदेवि मोर लाभ हाँ क्षति हम के 5 टंका मोर लाभ हो गला किनी 10 टंका तुमको भूत बनवाप लिखिदी या उपर के 20 टंका बुझिपार नहीं तो से भाया देख ये दुकानी कौन करखाई जड़े व्यवसायी एक घंटार लिखित मूल्य उपरे शतकड़ा 10 रिहाती दिखती घंटाटी क्रय मूल्य 300 टंका हेले 20% लाभ पाइबा लिखित मूल्य के आवश्यक तो किनी के घंटा को 300 टंका दे घंटाटर लिखित मूल्य दे 300 टंका चौदह नंबर ही तो कर चौदह नंबर तेरह नंबर लिख दीजिए हाँ चौदह नंबर दियो तो वर्तमान क्रय मूल्य दे 300 टंका 20% से लाभ पाइब या उपरे ताने 300 टंकार 20% लाभ केते बाहर ताने लाभ केते कहल देखिए 300 गुणन 20 बै 100 करवा काटि दिव रे के हम शून्य सागर शून्य काट दिव तीस जुड़े 60 बिचरा ये 60 टाँग तार लाभ करें बिक्री मूल्य के दरकार बिक्री मूल्य रहा दरकार 300 टाँचा तार किणी आउ 60 टाँग लाभ रखिक बिक्री कर मैंने 360 टकर बिक्री कर बुझिपार कि नहीं किंतु से पूर्वर कही घंटार लिखित मूल्य उपर शतकड़ा 10% रिहाती दूसरे कि लिखित मूल्य आमको जना नहीं लिख मन कर लिखित मूल्य को मुझे मात्र ये के जान एक्स टाँगा नहीं जी है रिहाती दूसरे 10% रिहाती दूसरी तो एक्स टकर 10% के जान एक्स इंटु 10 बै 100 कर एक्स बै 10 टंका तार सी रिहाती रिहाती मूल्य बुझिपारे कि नहीं बिक्री मूल्य के बिक्री मूल्य लिखित मूल्य रिहाती वियोग करदेव तेने एक्स रु एक्स माइनस एक्स बै 10 को वियोग करदेव एक्स माइनस एक्स बै 10 कर तार लिखित मूल्य यहाँ सी रिहाती देला एति टाँग छाड़ा तो मैंने बिक्री मूल्य के एक्स रु एक्स माइनस एक्स बै 10 कर एक्स रु एक्स बै 10 को वियोग कर केते हम 9x by 10 ऐसी बन सा मुझे बोल लेकिन अरे 10x minus x कितने 9x by 10 हुए कि हाँ तो इतने की टोंगरे बिक्री करी हो किंतु तारा बिक्री मूल्य मैं आग्रह बाहर कर दीजिए 360 टोंगा लेकिन बो प्रश्नानु सारे जो दिया मैं इटी देखूं जे 9x by 10 जितनी की टेक्निकली तुम्हारे 360 टोंगा भी सती की ही ऐसी हो मुझे बोल जो ताले तुम्हारे 9x के तेज जीवो 360 गुणन 10 आउ तुम एक्स रैल्यू के ना 360 गुणन 10 नौटा एपटे आसिक हरण हो काट नौ पणिकार 360 कट जीव नौ 36 शून्य 40 40 10 400 टाँह ताने सी के टाँग लिखित मूल्य लिख से घंटा उपरे जान 400 टाँह किणी के बिक्री करेंगे तुमको 360 टाँह कब 10% डिस्काउंट काटिक तुमको तुम्हें खुशी हो 10% डिस्काउंट मिलला मानी ये तार क्षति हो क्षति करके बिकुनी बुझिपार कि नहीं आ तुम्हें जब आउ टे भी कमे कह 10 टाँह कि 15 टाँह से भी तथा कमे दौ क्या तथा तार लाभ ही रोज बुझिपार ना चलो 14 नंबर तो सरगला तेरे एक्स क्या नहीं लिखित मूल्य को तो लिख घंटाटर लिखित मूल्य सामान 400 टाँह बुझिपार ना हो लिखी दियो
15 नंबर आडकु जीवा टिके लिभे दउ छी देखिया 15 नंबर कोन क्वेश्चन अछि 15 नंबर क्वेश्चन अछि हम पाखरे कि गोटे टेबल रो लिखित मूल्य होची 800 डंगा जणे खुचुरा व्यवसायी 10% रिहाती रे क्रय करला ताकु जदि व्यवसायी परिवहन बाबद रे 10 टका खर्च होए तबे टेबल टी रो खुचुरा व्यवसायी टी केते टका रे विक्रय करले तार 12% लाभ होबो बढ़िया प्रश्न एटी पचार छी देखो खुचुरा व्यवसायी माने बुझी पारछो ना नै माने जे अन्य पाखरु किणिकी तुमको जे बिक्री करे से हो खुचरा व्यवसायी जमती देख ये लिखाई जे गोटे टेबुल लिखित मूल्य हूँ 800 टाँह है टेबुलटार लिखित मूल्य के लिखित मूल्य 800 टाँह ये खुचरा व्यवसायी कौन कर टेबुल किणापी आस 10% रिहाती रे क्रय कला ताने 800 टकर 10% के 800 × 10 / 100 कर सुनो 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 मार दिया 8 × 10 = 80 टका 80 टका छाड़ है तक ताले क्रय मूल्य यार के क्रय मूल्य है तार 800 वियोग कर 80 मान 720 टका पड़ा देव है आई से किणला किण की 10 टका आरी परिवहन खर्च दे आण तो जगह को दुकान को आिक्री कर टेबुलटा को तो परिवहन खर्च आहरी 10 टका भिड़ परिवहन खर्च 720 रे आउ 10 मिसाओ देले तुम्हें पाइब 730 टका एत टा से टोटाल टेबुलटा को किणला मोट क्रय मूल्य पड़गला मोट क्रय मूल्य पड़गला मात्र 730 टका आउ कौन कर देखिए तेज टेबुल टी खुचरा व्यवसायी के विक्रय कले तार 12% लाभ हम क्षति तो कर 12% लाभ कर शतकड़ा लाभ के आमको 12% हवा दरकार बुझी पार्जन किंतु आम विक्रय मूल्य के जाने क्रय मूल्य जाणीगले 730 टका विक्रय मूल्य आम जाने शतकड़ा लाभ सूत्र जाच लाभ डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य गुणन 100 समांतर 12% लाभ बाहर लाभ केमती बाहर विक्रय मूल्य रु क्रय मूल्य वियोग करी ना तो लेख बिक्री मूल्य रु जदि आम क्रय मूल्य को वियोग करवा लाभ बाहर डिवाइडेड बाय एटी तले रहिला क्रय मूल्य गुणन 100 समान 12% तो आम तो क्रय मूल्य जोड़ा है 730 टका बोधे तो बिक्री मूल्य को जाणिने बिक्री मूल्य जगह बिक्री मूल्य लेख 730 क्रय मूल्य जगह लेख तले रही 730 गुणन 100 टा को आर पाक नहीं जाए जो हरण 100 तेने 12 × 100 हो बुझीपाल ना तो तुम्हें यदि बिक्री मूल्य असुविधा होमें लिखी नहीं बिक्री मूल्य जगह आम एक्स लिखी दूचे है माइंड करनी किसी कथा लिख डोंट माइंड लेट बिक्री मूल्य इक्वल टू एक्स टाँह से माइंड भी करें एक्स बिक्री मूल्य जगह एक्स लिखले तो मोट उपर आम एमती पाइबा एक्स माइनस 730 डिवाइडेड बाय 730 इक्वल टू 12/100 तो वज्र गुणन कले तुमको एमती मिल 100 × x − 730 इक्वल टू 12 × 730 बा तुम्हें पाइब 100 टा गुण नहीं चार पाक नहीं हरण कर दि तो एक्स माइनस 730 इक्वल टू 12 × 730 डिवाइडेड बाय 100 शून सागर शून को मार दियो ये आउ किए कटिव कि हाँ कटिव ये दुई कटिज 2 × 6 = 12 × 5 = 10 तेणु तुम्हें एक्स रैल्यू पाइब 73 × 6 कर के 36 = 18 8 + 1 = 6 = 42 + 1 = 43 438/5 ए माइनस 730 टा आर पाक गले प्लस 730 हो हला को कौन के कौन बाहर हिसाब कर ताकू तले आस 438 + 730 5 गुणल देखिया
पांचने शून पांच तरी पंदर पांच बस एक सतरी एक बैश हाँ आम कौन कले रेडी पांच शून्य शून पांच तरी पंदर पांच बस एक पांच सौ पैंतीस एक छत्तीस हाँ पांच सौ पैंतीस हो छत्तीस हाँ तो करो ऊपर के ऊपर आस आठ पांच तीन आठ पुणी के छार दस शून्य बस एक दिन के चार चार हजार अठाशी बै पांच अरे कि करके देखा ये कौन आस दुई गुण दि ऊपर आगे दुई गुण दि तुमको इजी हम दस हो ना तले यहाँ हम तुम आठ दुनि षोह छ बस एक आठ दुनि षोह एक सतर सत बस एक तुम पाइब दु शून्य शून एक एक चार दुणे आठ तेने पॉइंट बस ये षाठी पैसा पाइब तुम पाइब आठश सतर टा षाठी पैसा देखनी बुझिपारे कि नहीं किए बुझिपारानी एक्स क्या नहीं बिक्री मूल्य पर लिखो से दुकानटा आठश सतर टाँह षाठी पैसा बिक्री कले जा बार परसेंट लाभ पाइब बुझिपार ना नहीं कमी प्लां पकड़ा करदेली हौ तो षोह नंबर प्रश्न उत्तर करवा आरंभ करवा षोह नंबर प्रश्न आमको कही जड़े लोक चालीस परसेंट लाभ रखी जिनस विक्रय कर दस परसेंट कम मूल्य कि वर्तमान मूल्य ठार दस परसेंट रिहाती दे शतकड़ा केभ हम ये तुमको किसी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य किसी भी देनी से कह जड़े लोक चालीस परसेंट लाभ रखिक गोटे जिनस बिक्री करुले जदि दस परसेंट कम मूल्य किणी वर्तमान मूल्यर दस परसेंट रिहाती दे शतकड़ा लाभ हम कह तो केत टकर किणी आम जाने के किणी आम जाने से कथा तो आम गोटे कम करवा जी जी क्रय मूल्य धरनेमा शहे टाँह धरनेमा है मन कर क्रय मूल्य को नहीं जावा आम शहे टाँह आउसे चालीस परसेंट लाभ रे बिक्री करा मानने शहे टकरे लाभ हो तार चालीस टाँह चालीस परसेंट लाभ कर बिक्री करे टा क्रय मूल्य बेले बिक्री मूल्य के पार शहे युक्त चालीस कर शहे चालीस टाँह हाउ से कहते जब दस परसेंट कम्रे कि शहे टाँग क्रय मूल्य दस परसेंट कम्रे कि नबे टकर कि दस परसेंट कम्रे किनी थिले क्रय मूल्य होता के जान शहे रु दस व्योग कर दे तुम पाइब नब्बे टाँह बुझिपार नहीं अरे शहे टकर दस परसेंट दस टा नुए कौन एत भाव तो बर्तमान दस टाँह कम्रे कि क्रय मूल्य नब्बे टाँह आ नब्बे टकर कि वर्तमान बिक्री मूल्यर दस परसेंट रिहाती था वर्तमान बिक्री मूल्य शहे चालीस टाँह शहे चालीस टकर दस परसेंट रिहाती हेले के हम ना शहे चालीस गुणन दस बाई शहे पगाओ चौदह टाँह नुए कि चौदह टाँह रिहाती पाई था बिक्री मूल्य के बिक्री मूल्य होता तुम शहे चालीस रु चौदह वियोग कर के बाहर जीवर दस चार छब्बीस शहे छब्बीस टाँह देख शहे छब्बीस टकरे से बिक्री करता एवं से कहे शतकड़ा केभ होता ना शतकड़ा लाभर सूत्र जान कि तमें कहल देखा लाभ बाई क्रय मूल्य गुणन शहे हाँ लाभ के जान अरे बिक्री मूल्य के तार शहे छब्बीस टाँह क्रय मूल्य नब्बे टाँह तेने शहे छब्बीस रु नब्बे वियोग कर दि लाभ पाइव डिवाइडेड बै क्रय मूल्य के नब्बे टाँह गुणन शहे कर शून्य सागर शून्य को मार दि शहे छब्बीस रु नब्बे गले के छत्तीस हाँ छत्तीस बै न गुणन दस भी अच्छी नचौ छत्तीस चार गुणन दस
ଏଇଟା କାଟିଦେଲେ 4 ବାହାରି ଯିବ ତାହେଲେ 40% ଲାଭ ହେଲା ତାର 40% ହେଲା ଆରେ ସେମ୍ ତ ଲାଭ ହେଲା ସେ ତ 40%ରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ନା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଣେ ଲୋକ 40% ଲାଭ ରଖିକି ଜିନିଷ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲା ତ ଏଠି ବି ସେ 40% ହିଁ ଲାଭ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 17 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା କି ବୁଝି ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ କି ନ ବୁଝିଛି ଏମିତି କେହି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବୁଝିନାହାନ୍ତି କୁହ ବୁଝିଛ ତ ସବୁ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା 17 ନମ୍ବର ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ଦୋକାନଟି ଜିନିଷରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟ ଲେଖି ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ 25% ରିହାତି ଦେଲେ ଜିନିଷଟିରେ 10% ଲାଭ ହୁଏ ତେବେ ଜିନିଷଟିରେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ 500 ଟଙ୍କା ଆଗେ ଲେଖିଦିଅ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲା ଆଗେ 500 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଦେଇଛି ଦୋକାନଟି ଜିନିଷରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟ ଲେଖି ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ 25% ରିହାତି ଦେଇଛି ତ କେତେ ଲେଖିଛି ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ତ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ମନେକର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1 ଟଙ୍କା ମନେକର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଦବା ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କା ସିଏ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ କିଛି ଲେଖିଦେଇକି ତା ଉପରେ ପୁଣି 25% ରିହାତି ଦଉଛି ତାହେଲେ ଶତକଡା ରିହାତି ଦେଲା ତୁମକୁ 25% ତାହେଲେ 1x ର 25% କେତେ ହବ କହିପାରିବ x×25/100 କରିଦବା 25×4 ତାହେଲେ x/4 ଟଙ୍କା ରିହାତି ଦେଲା ରିହାତି ଦେଲା ପରେ ତାର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ କହିପାରିବ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ହବ ତାର 1x ଟଙ୍କା ଲେଖିଛି ତା ଦେହରୁ କାଟିଦେଲା କେତେ x/4 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ 4×1 = 5 4×1 = 3 3x/4 ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତାହେଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ହଉଛି ତାର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷରେ ପୁଣି 10% ସେ ଲାଭ କରିଛି କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ 500 ଟଙ୍କା ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ହଉଛି ତାର କେତେ 10% ଲାଭ କରୁଛି ତାହେଲେ 500 ଟଙ୍କାର 10% କେତେ କୁହ ତାହେଲେ 500×10/100 50 ଟଙ୍କା ବିଚାର 50 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଛି ଏଇଠି ଆଉ କଣ ହବ ଏଇଠି ତାହେଲେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ତାର କେତେ ହବ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ହବ 500 ଟଙ୍କାର କିଣିଛି ଆଉ ଲାଭ ରଖୁଛି କେତେ 50 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ 550 ଆଉ 550 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ତାର ରହୁଛି ଏଠି ଆମର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରିଲା ରେ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ସମାନ ଲେଖ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ 3x/4 = 550 ତାହେଲେ ତମର ଏକ୍ସ ବାହାରିବ 550ରେ 4×1 କର 3 ହରଣ କର ଦେହ କେତେ କ'ଣ ବାହାରିବ ଏଠି 4×0=20 4×0=20 2×22 = 22 2×22 = 22 2×22 = 22 ଦେଖ ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ ମଏଣ୍ଟରେ ବାହାରିବ କ'ଣ 733 ଟଙ୍କା 33 ପଇସା କନଫର୍ମ ପୁରା ଆଉ ଚାଲ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏକ୍ସ କାହାକୁ ନେଇଥିଲେ ଏଠିରେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟକୁ ତ ଲେଖ ଅତଏବ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ସେ ବସ୍ତୁଟାର ବାହାରିବ ଆମର 733 ଟଙ୍କା 33 ପଇସା ଏନ୍ସର ତ ଏଥିସହିତ ଏଇଟାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମର ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି।